अगर आपको घुटने का दर्द रहता है तो इस वीडियो को बिल्कुल पूरी तरह से अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान से की जाने वाली एक योगिक तकनीक बताऊंगा जो आप केवल बैठे बैठे कर सकते हैं। जी हाँ, आप कहीं पर भी बैठे हैं और इसे आराम से कर सकते हैं। जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल पूरी तरह से अंत तक देखिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। बिल्कुल निःशुल्क है, बटन बिल्कुल नीचे है। मेरा नाम विक्रांत सावंत है। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सावंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए। घुटने का सबसे कॉमन दर्द है और उस दर्द का होने का बहुत सारे कारण होते हैं। आपका ओवरवेट, आपके कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, या आपकी मांसपेशियां बहुत अगर आपकी वीक हो गई हो तो उसकी वजह से आपका घुटना हमेशा बहुत दर्द करता है। या उसके बहुत अलग कारण भी हो सकते हैं, आपके बेसिकली डीजनरेशन हो रहा है या नॉकनी है, कारण तो बहुत है, पर उन सभी में ये वाली स्पेसिफिक प्रैक्टिस बहुत अच्छी काम करती है। और अच्छी चीज ये है कि आप सिर्फ इसे बैठ के करेंगे। देखिए, अभी मैं बैठा हूँ अपने सोफे पे, और केवल आप क्या करेंगे, आप अपने पैरों को बिल्कुल सीधे रखें और केवल अपने पंजों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अगर आप देख पा रहे हैं मेरे पंजे, ओके, टेक इट फ्रॉम दिस साइड नाउ, ओके, अब आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल बैठा हूं, मेरा पूरा पैर आ रहा है बस पर, यस, ओके, अब मेरे पंजे बिल्कुल ढीले हैं। मैंने बिल्कुल अपने पंजों को ढीला छोड़ते हुए अपने पैर को ऊपर उठाया, पंजों में कोई भी जान नहीं है। मैंने पंजों को ऊपर उठाया, अपने पैर को ऊपर उठाया, घुटना एकदम टाइट कर लिया। उसके बाद मैं अपने पंजे को एकदम टाइट करते हुए अपने ओर लेके आता हूँ कि घुटना पूरी तरह से टाइट हो जाता है। आप देखें, घुटना पूरी तरह से टाइट है, एकदम फुल सॉलिड है, ओके। आप इस तरह से कम 5 से 10 सेकंड रखिए, फिर वापस से, अगर आप 5 से 10 सेकंड रख लेते हैं उसके बाद अपने पंजे को आप वापस से छोड़ेंगे। देखिए, मैंने अपने पंजे को वापस से छोड़ा इस तरह से, ओके, और वापस से अपने पैर को नीचे लेके आएंगे। उसी तरह से आप ये पैर पर भी करेंगे। अब मैं लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग के ऊपर कर रहा हूँ, पंजा एकदम ढीला है, कोई भी पंजे में जान नहीं है, बस अपना मैं पैर उस तरह से उठा रहा हूँ, पंजा अभी भी ढीला है, पंजे को ऊपर 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 एकदम टाइट, घुटना एकदम टाइट, 5 से 10 सेकेंड पूरा घुटना टाइट रखिएगा जितना हो सकता है, कि आपकी काफ्स की मसल अच्छे ढंग से काम करेंगे, आपकी नी की पूरी तरह से मसल अच्छे ढंग से काम करेंगी। 5 से 10 सेकंड के बाद अपने पंजे को वापस से बाहर छोड़िए और पैर को नीचे की ओर लेके आइए। इससे होता क्या है, ये बहुत ही आसान सी प्रैक्टिस है जो आप बैठे बैठे कहीं पर भी कर सकते हैं, आप घर पे, ऑफिस में, आपके बस स्टैंड पर या कहीं पर भी। और स्पेसिफिकली अगर आपको नी प्रॉब्लम है, थोड़ी ज्यादा कम जितनी भी हो, इससे आपके नी की जो भी कंडीशन है, आपके नी में और स्ट्रेंथ आएगी, आपकी नी और फ्लेक्सिबल होगी, और बेसिकली आपके जितने भी इन एंड अराउंड आपका नी का एरिया है वो अच्छे ढंग से स्ट्रेंथन अप हो जाएगा। करके आप खुद ही देखिए, अगर आपको ये तकलीफ नहीं है, आपके घर में किसी भाई बंधु, किसी ब्रदर को, सिस्टर को, किसी को भी है, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, आप डेफिनेटली देखेंगे इम्प्रूवमेंट उनमें ज़रूर आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो इसे बिल्कुल अभी अपने दोस्तों और मित्रों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए, ये चीज़ मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, बिल्कुल निःशुल्क है, बटन बिल्कुल नीचे। अगले वीडियो तक नमस्कार, जय हिंद, बाय। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सावंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए।